हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर मील्स। सबका स्वागत है, बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं ये मसाला भिंडी। ये देखो, मैंने साफ करके काट के लिया हूँ और इसमें चीरा भी लगाया हूँ ऐसे। ये देखो, मैंने चीरा लगाया इसमें, तो आप भी धो के इसको चीरा लगा के ले लो अगर बनानी हो तो। और इसके लिए मसाला जो है, जो स्टफ़ करने के लिए, ये है मेथी दाना, थोड़ा सा लिया है मैं, पाव चम्मच, और ये आधी चम्मच छोटी काली मिर्च लिया है, जीरा एक चम्मच, धनिया दो चम्मच, थोड़े से काजू लिया 8-10, ये सौंफ है बड़ी शेप, ये तिल है, तिल का दाना 2 चम्मच, ये 1 बड़ी चम्मच, और ये 4-5 सूखी मिर्च है, और ये जो है चना है, जो हम खाते हैं ना ऐसे टाइम पास के लिए खाते, वो चना है। तो इसको हम सब अभी रोस्ट कर देंगे, सूखा रोस्ट कर देंगे तवे पे ऐसे ही। उसको थोड़ा भून के फिर इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखो, अपना मसाला हो गया है। ये मैंने मिर्ची को छोटा छोटा कर दिया, नहीं तो वो मिक्सर में पूरा घूमते रहता है, बस गोल गोल घूमते रहेंगे। तो ये छोटा कर दिया मैंने। अभी इसको गरम किया है, पीस देंगे अभी। और ये मसाला लिया है मैंने, नमक लिया है, मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और ये है अदरक लहसुन और कांदा का पाउडर, सूखा पाउडर जो मैंने घर में बना के रखा है, और ये है काला नमक थोड़ा सा। तो ये भी पीसने के टाइम पे इसमें डाल देंगे पूरा, और उसको फाइन पाउडर बना के फिर अपन भिंडी में भर देते हैं ये मसाला। ये भी इसमें डाल देते हैं और उसको फाइन पाउडर करके पीसते हैं। ये देखो, अपना मसाला पीस के तैयार है। ये थोड़ा सा दरदरा पीसा हो गया है। तो ये मसाला में आपको 2 फायदे होंगे। अगर आप ये मसाला पीस के रखते हो तो आपको तैयार मिलेगा कभी भी कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी सब्जी। और दूसरी बात है कि आप ये भाजी, ये मसाला जो है वो करेला में भी डाल सकते हैं, स्टफ्ड करेला करते हैं, और अलग अलग भाजी में आप बना सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद है। बैंगन में डाल सकते हैं, स्टफ बैंगन बनाते, भरवा बैंगन, उसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आप स्टफ भाजी बनाते हो ना, तो उसमें आप ये मसाला डाल के बना सकते हैं, फटाफट बन जाता है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे वो भरने का। वो ये देखो, ऐसे खोल के इसमें थोड़ा सा ऐसे डाल देने का, और वो भी इसके ऊपर ही डालो, भिंडी के ऊपर ही डालो, क्योंकि अगर ये गिरता है ना तो भिंडी के ऊपर ही गिरेगा। ये देखो, ऐसे एक एक भिंडी में डाल के रखो। तो ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ सब भिंडी में डाल के। चलो तो फिर बनाते हैं अपना भिंडी मसाला। तो ये है भिंडी जो मैंने मसाला लगा के भर दिया है अंदर सब। ये भिंडी 1/2 किलो है। आपको चाहिए तो कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। और ये ऐसा छोटा भिंडी लेना चाहिए मसाला भिंडी के लिए। तो बनाते हैं मसाला भिंडी। डालेंगे 1 चम्मच तेल, थोड़ा ज़्यादा हो गया, डालते हैं थोड़ा सा हींग इसमें,
देखो आधा चम्मच हींग, और डालेंगे ये राई, राई को थोड़ा मस्त क्रैक करेंगे आप देख सकते हो, और डालेंगे ये भिंडी इसमें। उसको हल्के हाथ से ऐसे टॉस करना चाहिए, और उसको ज़्यादा कुछ ये नहीं करना, हलने का नहीं, मसाला बराबर अंदर रह जाएगा। और डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये है भिंडी के लिए, ऊपर से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। और अभी बंद करके स्लो गैस पे पका देंगे। देखते हैं अपना भिंडी मसाला, देखो इसको बीच बीच में देखना चाहिए ऐसे, मतलब पलटाना चाहिए इसको। अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है पकने में, और दो चार मिनट में पक जाएगी, ऑलरेडी पक गई है, थोड़ा सा बाकी है, बीच बीच में देखना चाहिए इसको, लगने का चांस नहीं है, लेकिन लगने नहीं देने का, अगर लग गई तो फिर टेस्ट चला जाएगा पूरा। तो आपको अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू। तो अपना भिंडी तैयार हो गई है खाने के लिए। गैस करते हैं बंद। देखो बहुत मस्त बन गई है भिंडी, देखो मसाला भी उसका बराबर रह गया है, कुछ भी निकला नहीं है। तो अब मारते हैं थोड़ा धनिया, बहुत टेस्टी भिंडी है ये, इसका मसाला, आपको और तीखा चाहिए तो आप और मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी है इसके लिए। ये देखो अपना मसाला भिंडी तैयार है, ये स्टफ्ड मसाला भिंडी है, तो बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है ये, आप ज़रूर बना के देखो। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।